गाइस, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं गूगल के फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। गाइस, इस कोर्स के साथ आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपको इस कोर्स को खत्म करने पे मिलेगा। गाइस, इस कोर्स को रिसेंटली मैंने भी किया हुआ है और इस कोर्स की सर्टिफिकेट मुझे मिल भी चुका है। गाइस, मैं आपको इस कोर्स का एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जो कि मेरे नाम से बना हुआ है। गाइस, ये है मेरा सर्टिफिकेट। गाइज, आई होप कि आपको ये सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है अंशुल गुप्ता एंड यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ गूगल डिजिटल अनलॉक। गाइज, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इस कोर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइज, मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि इसमें कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके कि आपको क्या करना है, कैसे इस कोर्स को करना है, कैसे इसकी क्विज देखनी, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने और कैसे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली ये कोर्स जो है 40 घंटे का है। इसे मैंने करीबन 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया था। गाइज, इस वीडियो में लगभग आप 1-1.5 घंटे रोज वीडियो देखेंगे ना, तो आपको ये कोर्स आराम से हो जाएगा। फिर इसको आप जब तक इस कोर्स को पूरा नहीं कर लेते, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कोर्स को करने के बाद ही पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइज, इसका सर्टिफिकेट आप कहीं भी ले जाके दिखा सकते हैं, अपने बायो में रख सकते हैं। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप इसी तरह के और कोर्सेस कर सकते हैं जिससे आपको और इन्हेंस होगी आपकी स्किल में और आपको पता चलेगा। और लेकिन बेसिकली तो यही है ना कि इस कोर्स में आपको ये बताया गया है कि कैसे आपको जितने भी फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है डिजिटल मार्केटिंग के, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितनी भी मार्केटिंग की स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब बताई गई हैं, जिससे आपका मेन बेसिक्स तो क्लियर हो जाएगा लेकिन असली फंडामेंटल्स और एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए वो सब तो आपको एक्चुअली जब आप उस चीज को करेंगे तभी तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उस चीज की बेसिक नॉलेज होगी, बारीकियां उस चीज की पता चलेंगी, तभी आपको ये सब पता चलेगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई टू डू दिस कोर्स? गाइस, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री 25-30% हर साल एनुअली इंडिया में ग्रोथ करती है। आपको मैं बता दूं, इंडिया में फेसबुक यूजर्स वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है और इंडिया में इंटरनेट यूजर्स 500 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो गाइस, इस फील्ड में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बस इंडियंस को क्या दिक्कत है कि उनके पास स्किल नहीं है। ज्यादा स्किल ना होने की वजह से उन लोगों के पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस हो पाता है। तो गाइस, मैं बताता हूँ आपको, जो लोग 30 से कम होते हैं ना, तो 30 से जो कम होते हैं वो बेसिकली सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन लोगों के सबके अकाउंट भी होते हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंस भी होता है सोशल मीडिया का, एक्सपीरियंस नॉलेज, और उसी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे आप लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे थोड़ी भी बहुत ही सही लेकिन आपकी कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की अर्निंग शुरू हो जाए। अर्निंग शुरू होने से जरूरी नहीं है कि आपको काम मिल ही सकता है, पहले से नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको मिलना, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कहीं ना कहीं से, स्किल एक ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आपको कल को कुछ काम कर सकते अपना। गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था स्किल इंडिया करके, इंडियंस के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए, ताकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। गाइस, इस सब इनिशिएटिव से, कोर्सेस से यही मोटिव रहता है कि सब लोग इंडिया में स्किल अपने अंदर डेवलप कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।